स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आरआर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट, क्लास ट्वेल्थ के लिए हमारी जो फर्स्ट बुक है रेनबो, उसका हम सेवन्थ चैप्टर इंडिगो आपको रीड करा रहे थे, जिसका हमने आधा भाग लगभग पढ़ा दिया था अभी, लेकिन बचा हुआ है वो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं। सेवरल डेज लेटर, काफ़ी दिनों के बाद गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। काफ़ी दिनों के बाद गांधी ने एक लिखी हुई सूचना प्राप्त की, वो भी मजिस्ट्रेट से, इन्फॉर्मिंग हिम, जिसमें उसे सूचना दी गई थी दैट की द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उन्होंने इस मामले को अभी यहीं पे छोड़ देने के लिए कहा है। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रियम्फेंट, और इस प्रकार से साधारण व्यक्ति जो थे वो जीत गए, द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, इस आधुनिक इंडिया में यानी भारत में पहली बार। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स। अब गांधी और उनके अन्य साथी जो वकील थे वो किसानों की स्थिति की जानकारी बटोरने में लग गए। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन, उनके नाम में लगभग 10,000 किसानों का नाम लिखा गया। एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और दूसरे प्रूफ यानी सबूत के रूप में लगभग नोट बनाए गए, यानी कि लिखित जानकारी दी गई। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, उन सबके कागजात इकट्ठे किए गए। द होल एरिया थ्रोब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, वह पूरा क्षेत्र खोजकर्ताओं की खोजों से खोजा जा रहा था। एंड द वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और जितने भी किसान थे उन्होंने सभी ने इस आंदोलन के दौरान जो जमींदार लोग थे उनका विरोध किया। इन जून में गांधी वाज समोन्ड बाई सर एडवर्ड गेट, गांधी को सर एडवर्ड गेट के द्वारा बुलाया गया, द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बिफोर ही वेंट, वहाँ जाने से पहले ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स, वह अपने नेतृत्व में जो उसके साथी थे उनसे मिले। एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस, और फिर उन्होंने साधारण नागरिकों के लिए जो कार्यविधि बनाई थी उससे उनको अवगत कराया। इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, क्योंकि वह कह रहे थे कि यदि वो किसी कारणवश वहाँ से नहीं लौट पाए तो तुमको इस जानकारी का पता होना ज़रूरी है। गांधी हैड फॉर प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज़ विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, गांधी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ लगभग 4 साक्षात्कार किए। हु एज अ रिजल्ट, जिसका परिणाम यह हुआ, अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जिसने एक कार्यालयी कमीशन की समिति बिठाई इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, नील के बटाईदारों के सिचुएशन यानी स्थिति के बारे में। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, जो समिति थी उसने सभी जमींदारों को भी बुलाया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जितने भी सरकारी कार्यालयी लोग थे उनको बुलाया। एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, और जो गांधी था वह सभी किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। गांधी रिमेंड इन चंपारण फॉर एन इनिटियल अनइंटरप्टेड पीरियड, गांधी जो थे वो चंपारण में बिना किसी व्यवधान के एक लंबे समय तक रहे, ऑफ 7 मंथ, 7 महीने के लंबे समय तक। एंड देन, और फिर अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, इसके बाद उन्होंने कुछ छोटी छोटी वहाँ की यात्राएँ की। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रिटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट इन द एक्सपेक्टेशन, ये जो यात्राएँ थी इन यात्राओं के दौरान उन्होंने एक किसान से एक प्रकार की संधि कर ली, दैट जिसमें इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों में ऑक्यूपिड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, शायद उसके जीवन का यह एक साल था। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस, जो कार्यालय निरीक्षण था उसने एक सबूत के तौर पर समिति गठित की अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, बड़े बड़े जमींदारों के खिलाफ। एंड व्हेन दे सा, और जब उन्होंने देखा, दिस दे, ये सब देखा, दे एग्रीड, वो सहमत हो गए इन प्रिंसिपल सिद्धांतों में, टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स, की किसानों को भी रिफंड में से कुछ दिया जाना चाहिए।
बट हाउ, लेकिन कैसे, मच मस्ट वी पे, और हम उनको कितना दें। दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी से पूछा। दे थॉट, उन्होंने सोचा, ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, कि निश्चित रूप से गांधी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनके लिए मांगेंगे। विच दे हैड इलीगली एंड डिसाइडफुली एक्सट्रॉटेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, वही पैसा जो उन्होंने गैरकानूनी रूप से और गैर व्यक्तिगत रूप से उनसे बटोरा था, यानी कि जो नील के बटाईदार थे उनसे बटोरा था। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने केवल 50% के लिए कहा। देयर ही सीम्ड एडमंट, इस 50% पर वो सहमत दिखाई दिए। राइट्स रिवरेंड जे एस होज, उन्होंने जे एस होज को एक पत्र लिखा, ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, जो कि चंपारण का एक ब्रिटिश अभियान था, हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, जो इस पूरे अध्याय की बंद होने की जो सीमा थी उसे देख रहा था। थिंकिंग प्रोबेबली दैट, वह शायद यह सोच रहा था, ही वुड नॉट गिव वे, शायद वह कोई तरीका नहीं देगा। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, वह सोच रहे थे कि शायद गांधी जो है केवल 25% के लिए ही कह दे। एंड टू हिज अमेजमेंट, और उनके आश्चर्य के लिए, मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, मिस्टर गांधी ने उनके ही शब्दों में उसे पकड़ लिया। दस ब्रेकिंग द डेड लॉक, इस प्रकार से यह बात आगे चली। द सेटलमेंट वॉज एडेप्टेड, यह व्यवस्था स्वीकार कर ली गई अनएनिमियसली, बिना किसी व्यवधान के, बाय द कमीशन, समिति के द्वारा। गांधी एक्सप्लेंड दैट, गांधी ने वर्णित किया कि द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पोर्टेंट, कि रिफंड का जो अमाउंट है यानी पैसा है वो कम महत्वपूर्ण है, बजाय द फैक्ट, इस तथ्य के, दैट की द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लाइज टू सरेंडर, कि जितने भी साहूकार हैं वो अपने आप को उनके हवाले कर देंगे, पार्ट ऑफ द मनी यानी कि पूरे पैसे के हवाले कर देंगे, एंड विद इट, और उसके साथ ही, पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, उनकी जो धन संपत्ति है उसे भी। देयर फोर, इसलिए, एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्नड, जैसे जैसे किसान इससे जुड़ते गए, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबाउ द लॉ, अब जो साहूकार थे वो कानून के भगवान के रूप में उनके साथ व्यवहार करने लगे। नाउ द पीजेंट्स आ, अब किसान ने देखा, दैट कि ही हैड राइट्स, कि उसके पास अधिकार थे, एंड डिफेंडर्स, और उन अधिकारों को करने की शक्ति भी थी। ही लर्नड करेज, अब उसने साहस बटोरना सीख लिया था। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजिशन, जितने भी वहाँ कारनामे हुए उन्होंने गांधी की स्थिति को तो भांप ही दिया था। विद इन ए फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों में, द ब्रिटिश प्लांटर्स एबंडंड देयर एस्टेट्स, कुछ ब्रिटिश साहूकारों ने अपनी स्थिति को वहाँ दोहराया। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, जो किसानों पर भारी पड़ी। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, वहाँ से नील की जो बटाईदारी थी वह बिल्कुल गायब हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ, गांधी कभी भी अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाए विद लार्ज पॉलिटिकल, उस बड़े राजनीतिक और इकोनॉमिक यानी आर्थिक समाधानों से। ही सा द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस, उसने देखा सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन। इन द चंपारण के गांवों में, एंड वांटेड टू डू समथिंग, और वो कुछ करना चाहते थे अबाउट इट इमीडिएटली, इसके बारे में कुछ जल्दी ही कुछ करना चाहते थे। ही अपील्ड टू टीचर्स, उसने सभी अध्यापकों से यह प्रार्थना की महादेव देसाई एंड नरहरी पारिक, जैसे महादेव देसाई और नरहरी पारिक, टू यंग मैन, जो दो नौजवान व्यक्ति थे, हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी एज अ डिसिपल, जिन्होंने अपने आप को शिष्य के रूप में गांधी को अभी अभी ज्वाइन किया था। एंड देयर वाइव्स, और उनकी पत्नियां, वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, वो भी आश्रम में काम करने के लिए अपने आप को जोड़ रही थी। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, बहुत से अन्य व्यक्ति बम्बई से आ गए, पूना से आ गए, एंड अदर डिस्टेंस पार्ट्स ऑफ द लैंड, और उसी भूमि के कुछ दूरस्थ इलाकों से आ गए। देवदास गांधीज यंगेस्ट सन, देवदास जो था वह गांधी का सबसे छोटा पुत्र था, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, वह भी आश्रम से आ गया, एंड सो डिड मिसेज
गांधी और जो मिसेस गांधी थी वो भी आ गई। प्राइमरी स्कूल वर ओपन्ड इन 6 विलेजेस, 6 गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोले गए। कस्तूरबा टोट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। कस्तूरबा जो थी वो आश्रम में जाकर वहाँ की औरतों को व्यक्तिगत सफाई और वहाँ की जो अव्यवस्था फैली हुई थी उसको व्यवस्थित रूप में बदलने के प्लान बताने लगी। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, वहाँ की स्वास्थ्य स्थितियाँ बिल्कुल दयनीय थी। मिजरेबल यानी दयनीय थी। गांधी गोट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ। गांधी ने एक चिकित्सक को बुलाया जो 6 महीने तक वहाँ देखभाल करेगा। 3 मेडिसिंस वर अवेलेबल, वहाँ पे उस डॉक्टर ने लगभग 3 प्रकार की गोलियाँ दी यानी कि दवाइयाँ दी। कैस्टर ऑयल, कुनेन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, ये 3 प्रकार की गोलियाँ थी। एनीबडी हु शोव्ड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। जिस किसी को मुंह में स्वाद संबंधी कोई बीमारी होगी उसको कैस्टर ऑयल दिया जाएगा। एनीबॉडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनेन प्लस कैस्टर ऑयल। किसी को यदि मलेरिया का बुखार होगा तो उसे कैस्टर ऑयल को मिलाकर कुनेन की गोली दी जाएगी। एनीबॉडी विद स्किन इरुप्शंस रिसीव्ड, यदि किसी व्यक्ति को खुजली या स्किन संबंधी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको ऑइनमेंट प्लस कैस्टर ऑयल की टैबलेट दी जाएगी। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स, गांधी ने औरतों की जो कपड़ों की गंदी स्थिति थी उसको देखा। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट, उसने कस्तूरबा से कहा कि वह उन औरतों से इसके बारे में बात करे। वन वूमेन टुक कस्तूरबा इनटू हर हट, एक औरत कस्तूरबा को अपनी झोंपड़ी में ले गई एंड सैड और कहा, लुक, देखो, देयर इज़ नो बॉक्स और कपबोर्ड हेयर फॉर क्लोथ्स, देखो यहाँ कपड़े रखने के लिए ना कोई डब्बा है ना कोई अलमारी है। द साड़ी आई एम वियरिंग, वह साड़ी जो मैंने पहन रखी है, इज़ द ओनली वन आई हैव, यह मेरे पास केवल एक ही है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, चंपारण में उसके एक लंबे समय तक रुकने के दौरान गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। गांधी ने आश्रम की तरफ देखना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाई मेल, वो आश्रम में मेल के द्वारा काफ़ी निर्देश दिया करते थे। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और वहाँ की आर्थिक स्थिति के बारे में पूछ लिया करते थे। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स, एक बार उसने वहाँ के निवासियों को लिखा दैट कि इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लेटरिन ट्रेंचेज एंड डिग न्यू वंस, कि यह एक ऐसा समय है जो लेटरिन के जितने भी गड्ढे हैं उनको भर दिया जाए और उनकी जगह नए गड्ढे खोद दिए जाएं, अदरवाइज नहीं तो द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, जो पुराने गड्ढे हैं उनमें से बदबू आने लग जाएगी। द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, चंपारण का जो अध्याय था वह गांधी के जीवन में एक बदलता हुआ पॉइंट था। वाट आई डिड, मैंने क्या किया, ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने वर्णित किया। वाज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, यह एक बहुत ही साधारण बात थी। आई डिक्लेयर्ड दैट, मैंने यह घोषित किया कि द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, मैंने यह घोषित किया कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो मुझे मेरे ही देश में कुछ करने के लिए निर्देश नहीं दे सकते थे। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस डेफियंस, लेकिन चंपारण ऐसे किसी तथ्य का कभी भी कारण नहीं बना। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, चंपारण में उनके जाने का उद्देश्य वहाँ के बहुत अधिक संख्या में जो किसान थे उनकी समस्याओं को उनके तनाव को दूर करना था। दिस वॉज द टाइपिकल गांधी पैटर्न, यह गांधी जी का एक तकनीकी तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरव्यूड विद द प्रैक्टिकल, उनकी जितनी भी राजनीति थी उसे प्रायोगिक रूप से वहाँ पे साक्षात्कार कराया गया। डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, वहाँ रोजाना हर किसी की जितनी भी समस्याएं थी, मिलियन में समस्याएं थी, उनका समाधान किया गया। हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग, वह वहाँ ना रहने वालों की
ना रहने वालों की समस्या नहीं थी, बल्कि इट वाज़ अ लॉयल्टी टू लिविंग, वह वहाँ रहने वालों की समस्या थी, ह्यूमन बींग्स, मनुष्य की समस्या थी। इन एवरीथिंग गांधी डिड, जिसमें हर किसी में गांधी ने प्रयास किया, मोर एवर, इससे भी अधिक, ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन, उसने एक नए आज़ाद भारतीय को गढ़ा, हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, एक ऐसा भारतीय जो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सका, एंड दस मेक इंडियन फ्री, इंडिया फ्री, और जिसने अपने पैरों पर खड़े होकर इस भारत को आज़ाद बनाया। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चंपारण एक्शन में शुरू में ही चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट, एक चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज थे जो इंग्लिश नेता थे, हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा, वो महात्मा के एक समर्पित, डिवोटेड यानी होता है समर्पित, वो महात्मा के एक समर्पित अनुयायी थे, केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइसलैंड, जब ये विदेशी व्यक्ति फिजी आइसलैंड में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहे थे, तो वो लास्ट में गांधी से अलविदा लेने के लिए आए। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स, तब गांधी के वकील दोस्तों ने थॉट, सोचा कि इट वुड बी ए गुड आइडिया, कि यह एक अच्छा विचार होगा फॉर एंड्रयू टू स्टे इन चंपारण, कि एंड्रयू जो है वह चंपारण में कुछ दिन के लिए रुक जाए, एंड हेल्प देम, और उनकी सहायता करे। एंड्रयू वाज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, एंड्रयू भी इस बात के लिए सहमत थे यदि गांधी जी हाँ कर देते, बट गांधी वाज वेहमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी जी पूरी तरह से इसके विरोध में थे। ही सैड, उन्होंने कहा, यू थिंक, तुम सोचते हो, दैट कि इन दिस अनइक्वल फाइट, इस असमान लड़ाई में, इट वुड बी हेल्पफुल, यह हमारे लिए सहायक होगा, इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, यदि हम किसी अंग्रेज व्यक्ति को अपनी तरफ कर लें तो, दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, यह बात तुम्हारे हृदय की कमजोरी को दर्शाती है। द कोज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिले अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, जो मामला है वो तुमसे संबंधित है और तुम्हें इस युद्ध को जीतने के लिए खुद ही प्रयास करना होगा। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज, तुम्हें इस बात के लिए मिस्टर एंड्रयूज पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, बिकॉज, क्योंकि ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि वह चाहे अपना कितना भी अच्छा दोस्त है, लेकिन है तो वो एक अंग्रेज। ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, उसने हमारे सभी के दिमागों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, राजेंद्र प्रसाद कमेंटेड, राजेंद्र प्रसाद ने यह ताना दिया, एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हम उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर ना दे पाए। गांधी इन दिस वे, इसी तरीके से गांधी जी ने टोट अस, हमें एक पढ़ाया, ए लेसन, एक पाठ, इन सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का हमें पाठ पढ़ाया, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, बटाईदारों की सहायता, वर आल बाउंड टुगेदर, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा रेनबो बुक का 7th चैप्टर इंडिगो, जो आज कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।